सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज, बोले मुझे कांग्रेस वालों ने 91 बार गालियां दी हैं। ये इतनी मेहनत गुड गवर्नेंस में करते हो तो खराब हालत नहीं होती। खड़गे के एक बयान पर राजनाथ का पलटवार, कहा कांग्रेस लोकतांत्रिक परंपराओं को कतर रही है, पीएम व्यक्त नहीं संस्था। कर्नाटक से प्रियंका गांधी का वार, बोली लोगों की सुनने के बजाय अपनी व्यथा सुनाने वाले पीएम हैं। अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय, महुआ मोइत्रा बोली क्या मजाक है। पीएम के बयान पर कांग्रेस का वार, बोले कर्नाटक में ध्रुवीकरण के लिए गंदी चाले चलने के लिए शाह और योगी पर छोड़ देते हैं। मोदी काशी तेलुगु संगमम से जुड़े गंगा पुष्कर मेले में आज श्रद्धालुओं से कहा, दक्षिण भारतीय राज्यों ने देश को कई महान संत दिए। आप नेता संजय सिंह ने पीएम मोदी पर बोला हमला, बहराइच में कहा देश की बेटियां धरना दे रही हैं लेकिन प्रधानमंत्री खामोश हैं। बनारस को बनाएंगे विश्व स्तरीय शहर, सीएम योगी बोले ट्रिपल इंजन की सरकार से काम होगा आसान। वाराणसी में भाजपा ने बाहर के चुनाव के 50 बागी, 36 वार्डों में प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने या लड़वाने वाले निष्कासित। गाजियाबाद में आपका पार्षद प्रत्याशी अरेस्ट, जिला बदर घोषित अपराधी इलाके में ही रहकर लड़ रहा था चुनाव। अमेरिका के टेक्सास में शूटिंग, आरोपी ने पड़ोसी के घर में घुसकर फायरिंग की, 8 साल के बच्चे समेत 5 की मौत। पाकिस्तान ने अमेरिका से की मिलिट्री फंडिंग की मांग, अमेरिकी अधिकारी बोली आईएमएफ की शर्त कड़ी है पर उन्हें मान ली। एससीओ की मीटिंग में रूस ने किया चीन का बचाव, राजनाथ के सामने रूसी रक्षा मंत्री ने क्वेड को कोसा, भारत भी इसका सदस्य। किम जोंग की बहन बोली बाइडेन बूढ़े कमजोर, कहा नॉर्थ कोरिया के खिलाफ उनका बयान बेतुका, वो अमेरिका को नहीं बचा सकती। सात साल बाद सऊदी ईरान फिर खोलेंगे दूतावास, ईरानी विदेश मंत्री बोले यह जल्द ही होगा, ईद पर बातचीत के बाद लिया फैसला। गुजरात ने जमाई जीत की हैट्रिक, कोलकाता को उसी के होम ग्राउंड पर 7 विकेट से हराए, टेबल के टॉप पर आया। दिल्ली से लगातार 5 हार के बाद जीता है हैदराबाद, मौजूदा सीजन में 3री जीत, अभिषेक शर्मा और हेनरी क्लासे ने जमाए अर्धशतक। ब्रजभूषण के आरोपों पर विनेश का पलटवार, बोली खिलाड़ियों ने ट्रायल देखकर नेशनल खेला, व देश से बड़े नहीं, नियम बदलने की बातें झूठी। WFI विवाद में फोगाट बहने आमने सामने, बबीता बोली छेड़छाड़ का आरोप प्रियंका का सचिव धरने में आया, विनेश ने कहा आंदोलन कमजोर मत करो। 7वें चिराग एशियन बैडमिंटन के गोल्ड से एक कदम दूर, मेंस डबल कैटेगरी में 61 साल बाद चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची भारतीय जोड़ी। किंग चार्ल्स तृतीय होंगे ब्रिटेन के 40वें सम्राट, राज्यभिषेक समारोह में शामिल होंगी सोनम कपूर, टॉम क्रूज, विनी द पूह में होंगे मौजूद। सलमान बोले पठान को हिट कराने में मेरी भूमिका नहीं, शाहरुख से कोई छीन नहीं सकता है क्रेडिट, फैंस उनके देखने के लिए तरस गए थे। शिल्पा शेट्टी पर छाया डांस का खुमार, बाजीगर के गाने पर थिरकी एक्ट्रेस, फैंस बोले आज भी उतनी ही यंग और गॉर्जियस दिख रही हैं।
विपाशा बसु ने मनाई शादी की सातवीं सालगिरह। पति करण सिंह ग्रोवर के साथ शेयर किया थ्रोबैक वीडियो, दिखा मैंने सोलमेट से शादी की है। मलाइका अरोड़ा ने ऑटो ड्राइवर के साथ नहीं ली सेल्फी, बुरी तरह हुई ट्रोल, लोगों ने कहा ये एटीट्यूड सही नहीं। फिलहाल 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।